यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए छत्रमिति का अध्याय जो है 12 से स्टार्ट होता है, यह निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ है, और इस बार जो है 20 क्वेश्चन जो पूछ रहा है लघु उत्तरीय उसमें इस क्वेश्चन को जरूर शामिल करेगा। क्वेश्चन हम यहाँ नहीं लिखे हैं, इस चैप्टर में जो अध्याय 12.1 है, इस चैप्टर को बनाने के लिए दो फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूले को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है जिसका सूत्र होता है 2πr या πd, ठीक है ना, जहां r जो है वृत्त की त्रिज्या है और डी जो है वृत्त का व्यास है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए वृत्त की परिधि का 2πr, यहाँ पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका जो है मतलब जिसकी परिधि जो है दो वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर है। उस नए वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका मतलब जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है, समझ ना। उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए या उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधि के किसके बराबर है, योग के बराबर है। तो हम किसका सूत्र लिखेंगे, परिधि का। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसका जो है परिधि जो है उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका परिधि जो है दोनों वृत्त की परिधि के किसके बराबर है, योग के बराबर। तो परिधि का सूत्र लिखेंगे 2πr, त्रिज्या निकालना है इसलिए पाई आर वाला सूत्र लिखेंगे। नए वृत्त की परिधि कह रहा है दोनों वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर, यानी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि हम यहाँ लिखेंगे। परिधि का सूत्र लिखेंगे 2πr, यहाँ जो त्रिज्या निकालना है इसलिए त्रिज्या को हम बड़ा कर देंगे, 2πr कर देंगे। पहले वृत्त की परिधि को हम जो है 2πr1 करेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि को 2πr2 करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल ही आसान है, सरल करते हैं। दोनों में 2π है तो 2π हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए r1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। अब देखिए 2π से 2π ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, r अपनी जगह पर रहेगा, r1 और r2 का मान बैठा देंगे, और r1 और r2 का मान दोनों का मान दिया है, ठीक है ना। पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, 19 दिया है r1 का मान और r2 का मान कितना दिया है, 9। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है, लाइए हम पढ़ भी देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है देखिए जिसका क्षेत्रफल जो है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के किसके बराबर है, योग। तो क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। अब नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के किसके बराबर है, योगफल के। नए वृत्त के क्षेत्रफल के लिए पाई बड़ा आर का प्रयोग किया है, पाई बड़ा आर स्क्वायर। यहाँ देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटा r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर कर दिया है। देखिए तो यह पाई r स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, दोनों में पाई है तो पाई हम कॉमन ले लिए हैं, यहाँ r1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ r2 स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई में हमारा क्या होगा, कट गया। अब देखिए r1 स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, r1 का मान सवाल में दिया है 8, तो 8 स्क्वायर, r2 का मान दिया 6 स्क्वायर, 8 कवर करेंगे 64, 6 कवर करेंगे 36 और 64 बनेंगे 100, और ये वर्ग है तो इधर अगर क्या वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। कोई दिक्कत है किसी को, बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आ रहा है करके इंडिकेट भी किए हुए हैं निश्चित रूप से।